हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सब अच्छे से चल रहा होगा। आप लोग लास्ट वीडियोस को देखिए, लास्ट क्लास को, और आपने देखा होगा तो अच्छे से आपने पढ़ा होगा। आपने देखा था कि हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस को कवर किया था, जिसमें आप पाएंगे कि मैंने आपको ओवरऑल पूरा वॉइस को कम्प्लीट कर दिया। एक दो रूल्स हैं जो आज की क्लास में हो जाएंगे। आज मैं आपको सेंटेंस बनाते समय ये बताऊंगी कि कैसे ये सब क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब आपको इस साथ क्या कॉम्प्लिकेशन है कि आपको ऑप्शन के साथ डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए है, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। तो आपको, अगर आपने लास्ट क्लास पढ़ी होगी या क्लासेस को अटेंड किया होगा, तो आपको बहुत आसानी होगी करने में। देखिएगा, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि यदि सेंटेंस में वन दिया हो तो वन का पोजेसिव केस वंस होता है, और आपको पता है कि वन जब लिखा रहे तो वन को बाय लिख करके नहीं लिखते हैं। फिर हमने बताया था एवरीबडी, एनी बडी, नो बडी, सम बडी, नन, समथिंग, समवन, एनीवन, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ऐसे बहुत सारे अननोन और वेल नोन सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको बाय लगाकर नहीं लिखते हैं। तो ये सारे रूल्स को आपने ध्यान रखना है। अब देखिए ऑप्शंस हैं, वंस प्रोमिसेस आर केप्ट, वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, वंस प्रोमिसेस मस्ट केप्ट, विच ऑप्शन विल बी राइट आंसर। आपको पता है मस्ट एक मॉडल एक्जिलरी वर्ब है, और मॉडल एक्जिलरी वर्ब कैन, कुड, में, माइस्ट, माइट, शुड, विल, शैल, मस्ट, ये सब होते हैं। तो जब इनको हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इनके साथ बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए किसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो जिसमें नहीं दिया है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, वंस प्रोमिसेस मस्ट केप्ट। सेकेंड और थर्ड को छोड़ दें तो देखिएगा फोर्थ में भी बी नहीं दिया है, तो फोर्थ भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए सेकेंड और थर्ड बोथ आर सेम, बट क्या डिफरेंस है इसमें? आपको ये ध्यान रखना है कि हमने आपको बताया था कि वन लिखने की कई सारी स्टाइल आपको मिलेगी, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये स्टाइल करेक्ट है। वन का पोजेसिव केस करेक्ट फॉर्म में हमेशा क्या होता है, ओ एन ई और एपोस्ट्रॉफी यस होता है, और ओ एन ई एपोस्ट्रॉफी यस में ध्यान रखना है कि आपको समझना होगा कि क्या होगा, आपको ओ एन ई एपोस्ट्रॉफी यस सही होगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सेकेंड और थर्ड में से। इसमें देखिए ओ एन ई मिला के लिख दिया है, ओ एन ई एपोस्ट्रॉफी यस हमारा सेकेंड ऑप्शन में करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इस तरीके से वॉइस के टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको समझ आया होगा, आपने भी कंफर्म किया होगा कि कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होगा और कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। एलिमिनेशन के स्टाइल से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है करेक्ट आंसर को ढूंढना। देखिएगा, डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी, डोंट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी, मतलब रॉबरी मीन्स होता है डकैती, तो डकैती के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म मत करो, ऐसा कह रहा है। तो जब आप ऑप्शन को करेक्ट देखेंगे तो ये क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव है, जो कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, देखिए आपको पता है डू नॉट वर्क फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये जो वर्ड्स है उसको ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, वो तो अलग से इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, अबाउट, गो टू, ऐसे करके कुछ भी वर्ड्स हैं उनको आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको वर्क फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को ध्यान देना है। तो जब वर्क फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को आप ध्यान देंगे, अब देखिएगा ऑब्जेक्ट आपने द पुलिस ढूंढ लिया, तो इसका मींस क्या होता है कि अब आपको तीन रूल्स बताए गए थे। पहला बताया गया था यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू,
दूसरा बताया गया था सब्जेक्ट शुड नॉट बी, तीसरा बताया गया था लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी। तो कौन से स्टाइल से आपको ऑप्शन मिला है? द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रॉबरी, द रॉबरी। अब ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि इसमें ना ही शुड का यूज किया गया है और ना ही नॉट का यूज किया गया है, इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड नॉट अबाउट द रॉबरी। थर्ड ऑप्शन है लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रॉबरी, और फोर्थ वन इज द रॉबरी नॉट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द पुलिस। सेकेंड और थर्ड को छोड़ दें तो फोर्थ ऑप्शन को देखें। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है रॉबरी को पुलिस के बारे में इन्फॉर्म नहीं दिया गया, लेकिन आपको क्या कहना है? आपको कहना है कि पुलिस को रॉबरी के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया या नहीं करना है। तो रॉबरी कोई व्यक्ति थोड़े है, रॉबरी ये एक आपका नाउन है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा। पैटर्न तो सही है इसमें, जब आप देखेंगे देखिए सब्जेक्ट नॉट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द पुलिस, लेकिन शुड का यूज नहीं है, पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया है। यहाँ करेक्ट एक दूसरे का स्थान न देकर के रॉबरी को सब्जेक्ट माना है, जो कि गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरे और तीसरे में कौन सा सही होगा? दूसरे सेंटेंस में जो आपको ऑप्शन दिया है उसमें आपको निगेटिव ढूंढना है। तो पहले सेंटेंस में निगेटिव नहीं था, आपने हटा दिया। फोर्थ में निगेटिव था, लेकिन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को एक दूसरे से गलत जगह यूज किया गया था तो गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में आपने देखा है नॉट का यूज तो है, लेकिन नॉट का यूज सही जगह पे नहीं है। और हमने आपको बताया था कि आपको याद रखना है शुड नॉट के बीच में, शुड और बी के बीच में नॉट का यूज होगा, लेट के साथ ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा, उसके बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। अब किस में है ये? ये करेक्ट हम लोगों का स्टाइल फॉलो हुआ है पैटर्न थर्ड ऑप्शन में, इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। आई होप आप भी ऐसे समझे होंगे और आपका भी करेक्ट होगा। थर्ड में देखते हैं द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, यानी कि लड़का भिखारी पर हंसा। तो ये देखिए ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट है और पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। अब आपको ध्यान रखना है पास्ट इंडिफिनिट किस टेंस में चेंज होता है, तो ये आपको कंफर्म है ये चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, मींस वाज और वर आपको यूज करना है। तो देखिएगा द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, आपको एक रूल और बताया गया था, आपने ध्यान से सुना है कि जब भी सेंटेंस में कोई फिक्स प्रीपोजिशन हो और वो वर्ब के साथ हो, तो जब हम पैसिव वाइज बनाएंगे तो उस फिक्स प्रीपोजिशन को हम रिमूव नहीं कर सकते, उस फिक्स प्रीपोजिशन को हमें उतार लेना होगा। इस स्टाइल से हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। पहला है देखिए पास्ट में है, तो देखिए दिए गए चारों ऑप्शंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाज यूज हुआ है, लेकिन क्या वाज यूज होने से आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिएगा द बेगर लॉफ्ड बाय द बॉय, ये बात तो सही है कि लड़के के द्वारा बेगर पर हंसा गया, लेकिन यहाँ पे एट को मिस कर दिया गया है, इसलिए एट न यूज होने की वजह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन पे ध्यान देंगे द बेगर वॉज बींग लॉफ्ड, बींग का यूज तो कॉन्टिन्यूअस में होता है, लेकिन ये पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा लेकिन बींग का यूज नहीं होगा, इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा द बेगर वॉज लॉफ्ड एट बाई द बॉय, और फोर्थ ऑप्शन देखिएगा द बॉय वॉज लॉफ्ड एट बाई द बेगर। दोनों ऑप्शन में आपको सेम पैटर्न मिल रहा है, सब्जेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म और एट लगा हुआ प्रीपोजिशन, बाई प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर, लेकिन दोनों में से कौन सा सही है? बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों कंफ्यूज हो सकते हैं? क्योंकि देखिए दोनों सेंटेंस में पैटर्न तो सही है, लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस ना करके उसी को वही रख दिया गया है। मतलब क्या? देखिए बेगर ने लड़के पर हंसा कि लड़के ने बेगर पर हंसा, तो आपके जो आपको सेंटेंस मिला है एक्टिव में वो मिला है कि लड़का भिखारी पर हंसा,
तो आपको कहना होगा कि लड़के द्वारा भिखारी पर हंसा गया। तो देखिएगा, द बॉय वॉज लाफ्ड एट द बिगर। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट आंसर। आपको पता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस नहीं किया गया, वही का वही उतार दिया गया, बाकी रूल्स फॉलो हुए हैं, इसलिए सेकेंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। आगे बढ़िएगा, आई होप आपको भी ये समझ आया होगा। और ऐसे ही बस एक वाइज सामान्य सा टॉपिक जो कि बच्चे मानते हैं, बहुत सारे बच्चों का कंफर्म भी होता है, लेकिन एक मिस्टेक की वजह से उनका गलत हो जाता है। ये वाला सेंटेंस अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल पता है कि आपको क्या करना है, बट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस नहीं करेगा। तो कई बार एग्जाम में बच्चे चारों ऑप्शंस ना देख करके पहले दूसरे ऑप्शन में ही अपना आंसर मार देते हैं और वास्तव में चौथे ऑप्शन में करेक्ट आंसर रहता है। तो आपको भी ये गलती नहीं करनी है। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपने अगर एट को ध्यान नहीं दिया थर्ड में, तो गलती हो जाएगी। एट लगा होना चाहिए और दूसरे ऑप्शन में नॉट का सही यूज होना चाहिए, जो कि हमने आपको क्लास में ही बता दिया था। अब देखिए ये सारे सेंटेंसेस, इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गिव अप स्वीट्स। डॉक्टर ने एडवाइस किया, एडवाइस देख के कहीं आप इम्परेटिव को तो नहीं याद कर रहे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है, ये सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट इंडेफिनिट है और अफर्मेटिव है। मात्र एडवाइस को देख करके आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। देखिएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गिव अप स्वीट्स। डॉक्टर ने मुझे राय दिया, क्या राय देना? गिव अप मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। स्वीट्स को छोड़ने का डॉक्टर ने एडवाइस दिया, तो स्वीट को छोड़ने का, त्यागने का एडवाइस दिया, तो अब क्या हो जाएगा? मुझे डॉक्टर के द्वारा स्वीट्स को छोड़ने के लिए एडवाइस दिया गया। जिस ऑप्शन में ये पैटर्न बनेगा, ये मीनिंग आपका कंप्लीट होगा, वही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड टू बी गिव अप स्वीट्स। यहाँ ना तो वॉज, अब ये पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा वॉज वर्ब, तो इस सेंटेंस में पहले ऑप्शन में ना तो वॉज का यूज किया है और ना ही वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया है, टू बी से एड कर दिया है, इसलिए हमारा ये गलत हो जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन देखा जाए, आई वॉज एडवाइज्ड बाई द डॉक्टर टू गिव अप स्वीट्स। थर्ड ऑप्शन में आई वॉज एडवाइज्ड बाई द डॉक्टर टू ईट स्वीट्स। देखिएगा, एडवाइस किया गया स्वीट को छोड़ने का, ना कि खाने का। स्वीट्स वर गिवेन अप टू, स्वीट्स छोड़े जाने के लिए डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया गया, लेकिन किसको किया गया ये तो नहीं है ना। और ये जो टू गिव अप स्वीट्स है, इसको हमको कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करना है कि स्वीट्स को हम आगे ले आए, क्योंकि टू से ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब है उद्देश्य। यहाँ वो वाला ऑब्जेक्ट मत समझिएगा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पर्पज आप समझ सकते हैं, कि टू से हमेशा पर्पज जिक्र करने के लिए टू का यूज किया जाता है, कि डॉक्टर ने एडवाइस किया क्या करने के लिए, गिव अप करने के लिए स्वीट्स को। जब दो वर्ब ऐड करने हो तो पहले वर्ब के बाद टू का यूज करके फर्स्ट फॉर्म के साथ दूसरा वर्ब ऐड कर देते हैं, है ना। जैसे आप कहते हो आई वेंट टू स्लीप, मतलब मैं सोने गया, मैं सोने गई। आई वेंट टू स्लीप मतलब टू से स्लीप को आपने ऐड कर दिया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अब जब आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ गलत हो गया, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा आई वॉज एडवाइज मतलब मुझे राय दिया गया बाई द डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा स्वीट छोड़ने के लिए। तो देखिए स्वीट्स छोड़ने के लिए आपका पैटर्न फॉलो हुआ है और आपका मीनिंग भी कंप्लीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, पीपुल शुड सेंड देयर कंप्लेंट्स टू द हेड ऑफिस। पीपुल शुड सेंड देयर कंप्लेंट्स टू द हेड ऑफिस। लोगों को अपने कंप्लेंट्स को, अपनी समस्याओं को, शिकायतों को हेड ऑफिस कंप्लेन करना चाहिए, मतलब भेजना चाहिए। सेंड मीन्स होता है भेजना। अब आपको एक रूल बताया गया था, कि पीपल हो, पुलिस हो, तो उसको बाई लिख करके, बाई के साथ ऐड करके हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जिस ऑप्शन में आपका ऐसा होगा उसको हम लोग मान लेंगे कि वो ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, आप बिना सोचे समझे बाई पीपुल लिखा है, उसको आप इनकरेक्ट कर दीजिए।
क्योंकि बाई पीपल नहीं हो सकता। देखिए, अगर कह दिया जाए, एक सेंटेंस आता है एग्जाम में, मैं आपको बता दूं, बार बार आता है, यहां मैं लिख रही हूं, देखिएगा, ऐसे बोला जाता है, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरीके से आता है, बोलता है इसका पैसिव वॉइस बनाइए। तो देखिए, पूरे संसार में लोग इंग्लिश बोलते हैं, यही बताने के लिए ऐसा किया गया है कि पीपुल स्पीक इंग्लिश। अब आपको ऐसे नहीं करना होगा, लोगों के द्वारा पूरे संसार में इंग्लिश बोली जाती है, बाय द पीपुल आप नहीं कर सकते, आपको सिर्फ ये करना होगा कि इंग्लिश पूरे संसार में बोली जाती है। तो जब आप इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप यहाँ पे बाय द पीपुल नहीं कर सकते, है ना, तो इसको आप समझिएगा, आगे देखिएगा। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम लोग, द कंप्लेंट्स, यहाँ देखिए, पीपुल शुड सेंड देयर कंप्लेंट्स, लेकिन आपको हमने बताया था आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डिसाइड करना होगा कि कौन सा हमारा सेंटेंस सही है। तब आप देखिए, यहाँ पे तो देयर कंप्लेंट्स होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका देयर कंप्लेंट्स है, लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार ही तो काम करना होगा। इस चारों ऑप्शंस में से देयर कंप्लेंट्स कहीं भी नहीं लिखा है कि उनका कंप्लेन, सिर्फ कंप्लेन लिखा है, यानी कि शिकायतें, है ना, कंप्लेंट्स लिखा है, तो शिकायतें हेड ऑफिस भेजी जानी चाहिए, लोगों के द्वारा नहीं लिखना है आपको, तो शिकायतें भेजी जानी चाहिए। द कंप्लेंट्स शुड सेंट टू द हेड ऑफिस, शुड बी होना चाहिए क्योंकि मॉडल एक्जिलरी वर्ब हमेशा बी को फॉलो करता है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है लेकिन बी मिसिंग है, बी का यूज नहीं किया गया है, तो आपको इस बात को समझना होगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए, द कंप्लेंट्स शुड बी सेंट टू द हेड ऑफिस, पीपुल शुड बी सेंट, लोगों को भेजना चाहिए उनकी समस्याओं को हेड ऑफिस, ये भी आपका इनकरेक्ट आंसर हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे देखिए द कंप्लेंट्स मतलब शिकायतें हेड ऑफिस भेजी जानी चाहिए। अगला देखिएगा, प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप, एक रूल है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, कह रहा है प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप, मतलब दरवाजा बंद करो और सोने चले जाओ। अब आपको समझना है कि अगर एंड से दो वर्ब जुड़े हों तो जो भी सारे रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते हैं वो एंड के पहले वाले वर्ब पे होते हैं, बाद वाले वर्ब पे नहीं। प्लीज शट द डोर, प्लीज बता रहा है कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है, द डोर टू बी शट एंड गो टू स्लीप, कुछ भी नहीं यहाँ पे जिक्र है, यहाँ पे होना चाहिए पीपुल शट, प्लीज शट द डोर, यहाँ पे या तो होना चाहिए द डोर शुड बी शट, यहाँ पे होना चाहिए लेट द डोर बी शट, या होना चाहिए यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड गो टू स्लीप। तो किसमें है, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड गो टू स्लीप, ये तो सेकेंड और ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, लेकिन कुछ न कुछ इसमें जरूर दिया होगा जो करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर को डिसाइड करेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड टू, यहाँ टू का यूज नहीं होना चाहिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड गो टू स्लीप, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब आपने सारे सेंटेंसेस को मेरे साथ सॉल्व किया होगा तो आप ये पाए होंगे कि कैसे चारों ऑप्शंस में से एक न एक ऑप्शन करेक्ट होता है और जो इनकरेक्ट होता है उसमें कुछ न कुछ गलतियां होती हैं, उसी बारीकियों को आपको समझना है, उसके बाद ही आप अपने आंसर्स को करेक्ट कर पाएंगे। अन्यथा अगर आप देखिएगा
एट लास्ट एट वाले में और आपका इसमें देखिए टू ऐड कर दिया गया है। जो बच्चे कंफ्यूज होंगे टू रहेगा कि नहीं वो भी गलत कर सकते हैं, या जो इस रूल से अननोन रहेंगे वो भी गलत कर सकते हैं। इसमें भी देखिए गलत होगा, इसमें भी गलत हुआ, तो आपको बहुत बारीकी से समझना होगा। अब हम लोग इस तरीके से एक फाइनलाइज कर पाए हैं कि कैसे ऑप्शंस एग्जाम में आते हैं और कैसे क्वेश्चंस वाइस से बनते हैं, है ना। अब हम लोग इसके बाद बहुत सारे रूल्स को पढ़ेंगे जो कि आपको अच्छे से समझना है। देखिएगा अगर अब कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आमतौर पे आपको नहीं मिलते हैं। अगर आपका जैसे कह दिया जाए कि उसने मुझे हंसाया, उसने मुझे ये बनाया, उसने मुझे ये कराया, तो जैसे आप बोलते हो तो ऐसे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो आपने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और प्लस आपने देखा होगा कई सारे वर्ड है कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट दो होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट में PLI स्पेलिंग होती है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट में PLE स्पेलिंग होती है। तो आप कहते हैं ना कि ये कॉम्प्लीमेंट था कि कमेंट था, तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी को अवधा प्रदान करना, किसी की लिए अच्छी बात करना, वो कॉम्प्लीमेंट होता है, PLE स्पेलिंग होती है। तो देखिएगा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का क्या रूल है, सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म वर्ब का ऑब्जेक्ट उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, है ना। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है किसी को कोई पद प्रदान करना, किसी को कोई औदा देना, किसी को कुछ अच्छी बात के लिए प्रशंसा करना, उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सभी को समझना होगा, ज्यादातर ये पास्ट इंडेफिनिट में ही रहता है, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। लेकिन आपको क्या समझना है कि जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट बाई लिख करके नहीं आएगा। करना क्या है आपको, सब्जेक्ट वॉज वर यानी जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा वो सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर, उसके बाद आपको क्या करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर जो सब्जेक्ट आगे आएगा एक्टिव वॉइस में उसको पैसिव में बाई से ना लिख करके आपको सीधे कॉम्प्लीमेंट लिख देना है। जैसे हम कहें कि मैंने आपको मूर्ख बनाया तो आई मेड यू फूल, तो हो जाएगा यू आर मेड फूल। आई गलत हो गया, छिप गया, बाई मी नहीं लिखना है आपको, मतलब आप कहोगे कि मुझे फूल बनाया गया, अब किसके द्वारा बनाया गया ये आप नहीं मेंशन करोगे सेंटेंस में। देखिएगा रूल आपने देखा सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, जब आप इसको करेंगे तो सब्जेक्ट वॉज वर रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर और ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वॉज, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस जो कॉम्प्लीमेंट है वही कॉम्प्लीमेंट आपको उतार देना होगा। कैसे देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, उन्होंने उसे सेक्रेटरी चुना नियुक्त किया, तो देखिए क्या हो जाएगा ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी, मतलब वह सेक्रेटरी बनाया गया, वह सेक्रेटरी चुना गया। बस आपको ऐसे करना है, उन लोगों के द्वारा ऐसी जिक्र आपको बाई लगाकर नहीं करनी है, है ना। तो देखिएगा ये आपको समझ आया होगा। आगे देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, दे मेड हिम जनरल, क्या लिख दोगे आप, ही वॉज मेड जनरल, बाई देम नहीं लिखना है। दे सिलेक्टेड हिम मैनेजर, ही वॉज सिलेक्टेड मैनेजर, बाय देम आपको नहीं लिखना है। ये वाला देखिए कि वी अपॉइंटेड हिम कैशियर, हमने उसे कैशियर अपॉइंट किया, तो हो जाएगा ही वॉज अपॉइंटेड कैशियर, बाय वी बाय यस ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे कि बाय लगा करके लिखे, ही वॉज अपॉइंटेड कैशियर मतलब वह कैशियर नियुक्त किया गया किसके द्वारा ऐसा नहीं बताना है। वी क्राउन्ड हिम किंग, हमने उसे राजा बनाया, ताज पहनाया, तो हो जाएगा ही वॉज क्राउन्ड किंग, मतलब उसे राजा बनाया गया, उसको ताज पहनाया गया। वी मेड हिम कैप्टन, ही वॉज मेड कैप्टन, ठीक ना। आगे देखिएगा, शी मेड मी फूल,
आई वॉज मेड फूल मीन्स मुझे मूर्ख बनाया गया, उसके द्वारा बाय हर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आपने देखा ये कॉम्प्लीमेंट आपको मिला तो कॉम्प्लीमेंट आपने किया, लेकिन कॉम्प्लीमेंट ना होकर के यहाँ वर्ब होता तो क्या करते, वर्ब होता तो आपको टू का यूज करना पड़ता। जैसे आपको आई मेड यू लॉफ तो हो जाएगा यू वर मेड टू लॉफ, बाय लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसको भी हम लोग आगे देखेंगे, पहले इसको कंफर्म हो जाए, है ना। ये आपको कंफर्म हो गया है तो आपको समझना है कि अब क्या हो जाएगा इसके साथ, जब कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट है तो आपको क्या करना है, आपको वैसे उतार देना है, लेकिन अगर वर्ब रहेगा तो वर्ब हो तो आपको क्या कर देना होगा, आपको टू का यूज करना पड़ेगा। आगे का रूल है आपका सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट और वर्ब। जैसा कि हमने पढ़ा कि जब कॉम्प्लीमेंट हो तो कुछ भी नहीं करना है, लेकिन जब वर्ब हो तो टू से आपको ऐड करना पड़ेगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसे सेंटेंसेस में आप बाय लगा भी सकते हैं और बाय को स्किप भी कर सकते हैं, जैसा ऑप्शन में दिया जाए वैसा ही आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर बाय से सब्जेक्ट को लिखा है तो लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए रूल्स को देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए वॉज वर्ब लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद जो वर्ब रहेगा वो टू से ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, इसको अगर दूसरे तरीके से पढ़ते हैं तो ये और ये देखिए पैटर्न सेम है, यहाँ टू के साथ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद अगर आपको ऑप्शन में मिले तो बाई के साथ ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट था उसको आप मेंशन कर सकते हैं। देखिएगा इसके एग्जाम्पल्स, दे मेड मी लॉफ तो क्या कर सकते हैं, मेड एक पॉजिटिव वर्ड होता है, वर्ड वर्ब होता है, जैसे मेक है, मेक का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म मेड होता है। तो जैसे आपको कहना हो कि मैं हंसा तो आप बोलोगे आई लॉफ्ड, लेकिन अगर आपको बोला जाए मुझे प्रिया द्वारा हंसाया गया तो प्रिया क्या बोलेगी, आई मेड यू लॉफ मतलब मैंने तुम्हें हंसाया, तो सब्जेक्ट ने काम नहीं किया, सब्जेक्ट द्वारा किसी से कार्य कराया गया। ऐसे वर्ब को पॉजिटिव वर्ब कहते हैं जिसमें मेक होता है, गेट होता है ना। तो आप इसको देखिएगा, दे मेड मी लॉफ मतलब उन लोगों ने मुझे हंसाया, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज मेड मतलब मुझे हंसाया गया, टू लॉफ मतलब मुझे हंसाया गया, किसके द्वारा ये आप मेंशन नहीं करेंगे, ऑप्शन में दिया हो तो आपको मान लेना है, अन्यथा आप इसको भी स्किप कर देंगे। शी मेड मी अब्यूज उसने मुझे गाली दिया, ऐसा नहीं आप कह रहे हो, अन्यथा आप कहते शी अब्यूज्ड मी, आप कह रहे हो उसने मुझसे गाली दिलवाया, है ना, सब्जेक्ट द्वारा कार्य कराया गया, अन्यथा आप ऐसे कहते ना शी अब्यूज्ड मी उसने मुझे गाली दिया, मैंने दिया तो आप बोलते आई अब्यूज्ड हर, लेकिन